एक बादशाह एक कुम्हार के पास जब गया, उसने देखा कि उसके सारे भैंस एक लाइन में खाना खा रहे हैं। सारे भैंस टोटल के कान में आधार कार्ड लगा हुआ, और सारे भैंसों का अब्बा वो कुम्हार सारे भैंसों का अब्बा, और देख रहे कि एक लाइन में खाना खा रहे हैं। बादशाह को ताज्जुब हुआ। बादशाह ने कहा कि कुम्हार साहब, इन भैंसों को आपने क्या किया जो एक लाइन में बैठकर खाना खा रहे हैं, खड़े होकर एक लाइन से आगे पीछे बिल्कुल नहीं। तो पता कुम्हार ने क्या कहा? कुम्हार ने कहा कि मेरा डंडा देखा है, डंडा, इनका पीएम भी मैं ही हूँ, इनका सीएम भी मैं ही हूँ, इनका होम मिनिस्टर भी मैं ही हूँ, इनका एनआरसी भी मैं करता हूँ, इनका सी डबल ए किसी के लिए नहीं, एनआरसी है, सी डबल ए नहीं किसी के लिए, यानी सारे भैंस मेरे नज़दीक एक सम्मान, इक्वालिटी बिफोर लॉ। धारा आर्टिकल नंबर 14 अप्लाई किया है मैंने इन पे, संविधान का 14 नंबर, इक्वालिटी बिफोर लॉ, सारा भैंस मेरे सामने बराबर। सफेद भैंस है कि काली भैंस है, मोटी भैंस है कि जर्सी भैंस है, कि नेपाली भैंस है, कि भूटानी भैंस है, कि चीनी भैंस है, सारे भैंस को मैंने एक नजरों से देखा, सबको मैंने बराबर का खाना दिया। यही वजह है कि ये भैंस अपने अंदर तब्दीली ले आई है कि जब हमारा गार्जन सबको एक नजर से देखता है तो हम लोग भी झगड़ा नहीं करेंगे, एक साथ प्यार और मोहब्बत से खाना खाएंगे। वो बादशाह मुतासिर हुआ। बादशाह ने कहा तो अच्छा एक काम कीजिए, हमारे यहां आइए कुर्सी पर बैठ, हमारे यहां बहुत ज्यादा करप्शन है, हमारे यहां तो करोड़ों रुपए लोग लेकर भाग गए हैं, अमेरिका लंदन चले गए, कैसे उसके ऊपर कब्जा, जो लोग मासूमों को मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं, चोरी कर लेते हैं तो कुछ भी नहीं होता। तो कुम्हार ने कहा कि बादशाह साहब माफ कीजिएगा, हम आपकी ये बात मानने के लिए तैयार, आपकी गद्दी पर बैठेंगे, लेकिन मुझे फुल आजादी मिलनी चाहिए, मुझे फुल अथॉरिटी मिलनी चाहिए, अगर आप हैं मुत्तफिक तो मैं हूं आपके साथ, चलिए आपकी गद्दी पर बैठकर मैं फैसला करूंगा, एक दिन में इंशाअल्लाह मैं सही फैसले करूंगा। और वो कुम्हार पता कौन था? वो कुम्हार मुसलमान था। गद्दी पर बैठा, बादशाह इधर बैठे, इधर वजीर, वजीर आजम, वजीर आला, सब बैठे इधर। तो पता है एक चोर को बुलाया गया, कहा कि ये चोर है, इसने चोरी की। तो कुम्हार ने कहा कि दलाइल पेश करो, दलील पेश किए गए। तो कुम्हार ने ऑर्डर दे दिया कि तुम्हारे हाथ काटे जाएं। अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तौ ऐदियहुमा, कुरान पर एतराज करने वाले भारत की दस्ती पर नफरत परस्तो, कुरान पर चोरी से बचने का तरीका, कुरान में शराब से बचने का तरीका, कुरान में जिना से बचने का तरीका है, कुरान के अंदर नफरत से बचने का तरीका है, अहादीस के अंदर नफरत से बचने का तरीका है। मोहम्मद ने कहा एक दूसरे को देखकर सलाम करोगे नफरत पहुंचेगी, नफरत बढ़ेगी। आप तुम आज अदावत की निगाह से देखते हो एक इस्लाम एक ईमान वाले को, आओ बैठकर देखो, पढ़ करके देखो, तुम्हें पता चलेगा कि इस्लाम नफरत की दावत नहीं फैलाता। अस्सारिकु वस्सारिकतु, कुम्हार ने कहा कि इस चोर के हाथ काट दिए जाएं। याद रखो दुनिया वालों, फैसला क्या होता है, दुनिया का निजाम कैसे सही तरीके पर चल सकता है, इस कुम्हार के फैसले से सबक सीखो। उस कुम्हार ने कहा, इधर बादशाह बैठा हुआ, इधर वजीर बैठा हुआ, सामने में जजमेंट दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जज बना बैठा एक कुम्हार। कुम्हार ने कहा कि इसने चोरी की, इसके हाथ काट दिए जाएं कुरान के फैसले के मुताबिक। तो इधर से जो वजीर आजम था वो कह रहा है कि कुम्हार साहब, ये अंबानी का आदमी है, ये अदानी का आदमी है, इसको माफ कर दीजिए, कोई छोटी मोटी सजा दे दीजिए, इसके हाथ मत काटिए, बड़ा मसला हो जाएगा। पता है ये कहना था कि ये कुम्हार कहा कि अच्छा दोबारा फिर से सुनवाई करो। दोबारा जब दलाइल पेश किए गए और ज्यादा बड़ा जुर्म पाया गया,
तो उसके बाद कुम्हार ने क्या कहा पता? कुम्हार ने कहा अब तो दोनों ही हाथ काटे जाएं इसके, दोनों हाथ काटो, उसके दोनों हाथ काटो इस चोर के, उसके साथ साथ ये जो कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी है वजीर आला वजीर आजम, इसकी जुबान काट दो। कहा क्यों? कहा कि चोरी ये नहीं बल्कि चोरी यहां से हो रही, चोरी करने वाले ने गलती की, सजा दे दो समाज सुधर जाए, लेकिन जो करप्ट करने वाले नेता गद्दी पे बैठे वो चोरी करते हैं, वो इज्जतदार चोर, वो डाकू है लेकिन इज्जतदार, कुर्सी पर बैठकर चोरी कर रहा। गलती उस चोर की नहीं, गलती इस कुर्सी पर बैठने वाले वजीर आजम की। ये क्या बोल रहा है? हमारा आदमी है, इसको छोड़ दीजिए। क्यों बोलेगा? इस्लाम के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं पाई जाती। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा था अपनी बेटी को फातिमा को कि फातिमा तुम्हारा जहां पर पसीना बहेगा ये मोहम्मद तेरा बाप तुम्हारे लिए खून बहा देगा। ए फातिमा तो मेरी जान का टुकड़ा है, इस जहान में तुझसे प्यारी बेटी आज तक किसी बाप की नहीं होगी। लेकिन फातिमा याद रखो, अगर तुमने शरीयत के अंदर कोई गड़बड़ी की, अगर तुमने शरीयत के अंदर कोई कमी की, अगर तुमने अल्लाह के निजाम में जर्रा बराबर इधर से उधर किया, अगर तुमने चोरी की, मैं भूल जाऊंगा कि मेरी बेटी ने चोरी की है। मेरे सामने सिर्फ कुरान का ऑर्डर होगा और वह कुरान अस्सारिकु अस्सारिकतु, मैं तेरा हाथ काट दूंगा तेरा बाप बनकर, मैं भूल जाऊंगा कि मैं तेरा बाप हूं। ये होता है अदालत, इससे चलते हैं दुनिया के निजाम, इससे चलती है गरीबों को इंसाफ मिलती है। दुनिया में जुल्म करने वालों, बेटियों के ऊपर अत्याचार करने वालों, उन्नाव की धरती में तीन बेटी की इज्जत लूटी गई है। अभी की तारीख में तीन चार रोज पहले एक घराने की एक गरीब घर की तीन बेटी थी, वो गई थी अपने जानवर के चारा लेने के लिए, उसके हलक में फांसी का फंदा डालकर पेड़ से लटकाया गया। कोई बोला आवाज उठाया? नहीं उठाई किसी सेक्युलर जमात ने। ये बड़ी बड़ी पार्टियां जो बात करते हैं वकालत की, जो बात करते हैं गरीबों की, कोई आवाज नहीं बुलंद करता है। उनमें से दो बेटी मर गई, एक बेटी बेहोशी की हालत में है। कौन है ये बेटी? अरे ये बेटी इस देश की आन बान शान है, इस देश की आने वाली फ्यूचर के अंदर कोई बड़ा काम करती किसी बड़े विभाग में। नहीं यकीन है? तारीख उठाओ, अमेरिका के अंदर अभी नासा ने पांचवा दफा अपना सैटेलाइट, अपना रोवर मंगल चांद पे भेजा है, और चांद पे भी उस जगह जहां पर पानी पाया जाता है, उस जगह जहां पर ऑक्सीजन मिलने का आशंका है, उम्मीद है। नासा के उस दफ्तर के अंदर, उस ऑफिस के अंदर जमीन से लेकर चांद तक की दूरी 23 करोड़ मील है, यानी तकरीबन 35 से 40 करोड़ किलोमीटर। 7 महीने के अंदर नासा ने अपने जहाज को भेजा और उनकी टीम वहां पर पहुंची, और उस जगह पर जहां पर उस रोवर को लैंडिंग कराना था, लैंडिंग जब होती है हवाई जहाज की वो ज्यादा नाजुक वक्त होता है, क्योंकि उस जगह पर नोकीले पत्थर भी थे, उन पत्थरों से बचते बचाते अपने जहाज की लैंडिंग कराना था। तो पता है ये भारी भरकम काम कौन अंजाम दिया? पूछो इन लोगों को जो उन्नाव की बेटी के साथ जिन्होंने रेप किया, पूछो इन लुटेरों को जो बेटी की रक्षा नहीं कर पाए, गाय के नाम पर 2-2 लाख रुपए देते हैं लेकिन बेटी की रक्षा के लिए 1 लाख रुपए भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं। नासा के उस दफ्तर में वो बेटी, वो एक औरत जो अमेरिका का नहीं है, अमेरिका की कंपनी जरूर है लेकिन उस धरती पर, चांद के उस धरती पर, उस जगह पर, उस जजीरे पर उस रोवर को लैंडिंग कराने वाली कोई अमेरिका का इंजीनियर नहीं है बल्कि भारत का इंजीनियर है, और उस भारत का इंजीनियर में कोई लड़का नहीं
बल्कि लड़की है। उस औरत का नाम, उस बेटी का नाम स्वाति मोहन है, हमारी भारत की बेटी। और ये लोग बेटियों की इज्जत की रक्षा नहीं कर पा रहे, बेटी की आन बान शान की अहमियत नहीं कर पा रहे। मेरे भाइयों, बस मैं इतना कहूंगा कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमें जो ईमान की दौलत दी, हमें जो कुरान की दौलत दी, दुनिया के तमाम इसके अंदर अच्छाइयाँ पाई जाती, बड़ी कीमत है, बड़ी अहमियत है इसके अंदर, और मार्गदर्शन है हमारे कुरान के अंदर, हमारी अहादीस रसूल के अंदर। बस ज़रूरत इस बात की है कि हमें उस अंग्रेज़ औरत की तरह हमें अमल करने की ज़रूरत, सिर्फ नाम नहीं, हमें अमल करना। बताइए 20 सुन्नतों पर वो औरत अमल कर रही थी, अंग्रेज़ थी लेकिन 20 सुन्नत पर अमल कर रही थी। हम मुसलमान अगर 10 सुन्नत पर अमल कर लेंगे तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा, एक सुन्नत पर अमल कर लोगे तो 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। मन आया सुन्नति इंद फसाद उम्मती फलहु अजरुमियति शहीद, एक सुन्नत पर अमल कर लो 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। ऐसे वक्त में बड़ा ताज्जुब होता है कि गैर लोग आगे बढ़ रहे हैं सुन्नतों पर अमल कर करके, और हम लोग हैं कि सुन्नतों को छोड़कर पीछे चले जा रहे हैं, जालिमों के हाथ का, उनके मुंह का निवाला बनते चले जा रहे हैं। आज वादा कीजिए हज़रत मौलाना बरकी साहब के वादे पर भी, उनके कहने पर भी आपने वादा किया, हमसे भी वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह हम लोग अपनी ज़िंदगी, अपने ईमान को ताज़ा करेंगे सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इंशाअल्लाह सुन्नत पर अमल करेंगे। हाथ उठाकर वादा कीजिए। चलिए, आज कबूलियत की घड़ी के वक्त में आपने हाथ उठाया, अल्लाह आपके हाथ उठाने को कबूल फरमाए। सुन्नत पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल की कोशिश कीजिए, इंशाअल्लाह ज़िंदगी के अंदर रौनक आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।